नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। कांग्रेस में बड़ी टूट बताई जा रही है। आपको बता दें कि स्वर्गीय सदानंद सिंह के बेटे जो हैं वो जेडीयू में ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, इनसे मेरा सवाल है, कैसे इसको देख रहे हैं? अगर इसको आप टूट मानते हैं तो इसका मतलब आपको टूट का परिभाषा नहीं मालूम है, क्योंकि टूट ये क्या है, वो आप खुद बोल रहे हैं सदानंद बाबू के बेटे हैं, तो बेटे न उनके जा रहे हैं, ये पार्टी के नहीं ना, कोई एसेट तो नहीं है। ठीक बात है, उनको टिकट मिला सदानंद बाबू के बदौलत या उनके नाम पर, उन्होंने अपना टिकट इनको दे दिया और इसमें लिखा हुआ है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, मेरे हिसाब से तो डेलीगेट भी नहीं है। लेकिन तो सदानंद से तो सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, तो कितना नुकसान हो सकता है उनके प्रति? सम्मान है, लेकिन आजकल लोग जितने लोग आजकल काफ़ी होशियार हैं, हम ही हैं, हम भी किन्हीं के बेटे हैं, अगर हम में कोई काबिलियत नहीं रहती तो उनको उठा के फेंक देते लोग। जब तक उनको अपनी काबिलियत साबित नहीं करेंगे तब तक कहाँ बड़े नेता हैं। पिताजी हैं, थे, उनके प्रति मेरा भी सम्मान था, मेरे पिताजी के मित्र थे, लेकिन इसको मैं टूट नहीं मानता हूँ। कोई एक आदमी जदयू में जा रहे हैं, चले जाने से नुकसान हो गया नहीं कांग्रेस को? देखिए, कोई भी आदमी जाए तो कष्ट होता है, नुकसान क्या होगा? मान लियो हैं ही अभी, तो हमको क्या लगता है भागलपुर में उनके पिताजी के जाने के बाद में उनका तो कोई एक्टिविटी है नहीं। चुनाव हारने के बाद लोगों ने बताया जो कभी निर्वाचन क्षेत्र गए भी नहीं। आखिर कौन सी ऐसी बात रही जो इतनी नाराजगी रही कांग्रेस के से कि कांग्रेस? ये तो इसका जवाब तो खुद दे सकते हैं, बच्चे हैं, उनसे जाके पूछिए जो क्या उनको कष्ट हुआ। क्या लगता है कि ये जदयू जो है 43 सीट पर सिमट गई है, यही कारण है कि कुंबे को मजबूत करने में जदयू लगी? कोई भी पार्टी अगर अपने कुंबे को मजबूत करना चाहती है तो बुरी बात नहीं, अगर जदयू भी करना चाहती है तो करे, इसमें क्या है। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे जो है अब एकदम कमजोर पड़ते जा रही है। एकदम नहीं कमजोर पड़े, कांग्रेस में जिस तरह के आप उनके नेता की बात कर रहे हैं, आप इनको उनके पुत्र के चलते जो हाईलाइट कर रहे हैं, इस स्टेटस के लोग रोज, आप सदाकत आश्रम आइए, रोज 10-20 आदमी आके इस तरह के ज्वाइन करते हैं, आपको दो दिन के बाद। आप लोग तो सिर्फ दावे करते रहे कि जदयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं, मैंने कभी नहीं किया, मैं तोड़फोड़ में विश्वास ही नहीं करता हूँ। जो लोग आके, चाहे वो बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, जो जिनको राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास है, वो छोटे से छोटे स्तर से रहें या बड़े से बड़े स्तर, ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम ज्वाइन कराते हैं, लेकिन ना हमने जदयू के टूट का कभी घोषणा किया है और ना हम आज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस तो हो रहा होगा सर कि अगर उनके बेटे आज आप लोग के साथ में रहते कोई तो आप पार्टी और मजबूत होती? नहीं, राजनीति में एक जाएंगे 11 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाते उते रहते हैं। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। आपको बता दें कि स्वर्गीय सदानंद सिंह के बेटे जो हैं वो जदयू में ज्वाइन करने वाले हैं, इसको लेकर के राजनीति हलचल तेज हो गई है। लगातार ये क्यास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के कुंबे जो है वो धीरे धीरे बिहार में साफ होता नजर आ रहा है और जदयू अपने कुंबे को मजबूत करने में लगी हुई है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो आप देख सकते होंगे कि किस तरह से जदयू में जो है लगातार, चाहे आरजेडी के नेता हों या फिर कांग्रेस के नेता हों या फिर बीजेपी के हों, लोग शामिल हो रहे हैं और जदयू धीरे धीरे अपनी पार्टी को और भी मजबूत कर रही है। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।